So let's start. Hello and welcome to Sai Study Classes. My name is Bhavani. Ebong somostongku amo channel ku swagat. Because amme arts ro ebong science ro bahut dhuadhar bhabe session start korchu. Amme BEd ku BEd arts aur science re jo sob concepts ache syllabus onusare amme taku bhalo se padhuchu. Okay. To thik achi. To aji amme polity ro aur gote session start kariba fundamental rights. तो टॉपिक को बढ़िया पूर्व चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दियंतु जहाँफल आमको मोटिवेशन मिलियो आपण शेयर एवं लाइक्स आमको गोटे न्यू मोटिवेशन आनीदे आम नुआ नुआ कनसेप्ट एवरी कमी नुआ नुआ भाव पढ़ेबू. ओके तो ठीक अच्छे देख फंडामेंटल राइट्स. ओके फंडामेंटल राइट्स इज द इम्पोर्टेंट सेगमेंट ऑफ द पॉलिटी बा पॉलिटिकल साइंस इन द इंडियन पॉलिटी बा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी कहीपार. ओके फंडामेंटल राइट्स इज द इम्पोर्टेंट सेगमेंट. ओके इम्पोर्टेंस एंड द समरी द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन क्लासिफाइड अंडर द सिक्स कैटेगरी राइट टू फ्रीडम राइट टू इक्वालिटी राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज. ओके दीज फंडामेंटल राइट्स आर एनविजेड इन द पार्ट थर्ड आर्टिकल 12-35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. से कौन कहला ना यही जो फंडामेंटल राइट्स था आमर जो पार्ट थर्ड रे अच्छी. ओके आमर जो पार्ट पार्ट है पचिशटा पार्ट पार्ट से पार्ट पचिशटा पार्ट रु पार्ट थर्ड रे अच्छी केते रु केते आर्टिकल ना आर्टिकल 12-35 पर्यंत ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Initially, the Constitution of the India had the 7 fundamental rights. They are borrowed from Constitution of the USA, but later on the right to property was abolished, and now they are just 6 fundamental rights in force. In this article, we have explained meaning of the all fundamental rights in the detail. Okay, हमें ये article ले सब fundamental rights जो सरे detail से पढ़िवा. फर्स्ट फंडामेंटल राइट देखो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18 भितर राइट टू इक्वालिटी विषय अच्छे. ओके आर्टिकल 14 देखो रिप्रेजेंट्स द आइडियाज ऑफ इक्वालिटी व्हिच स्टेट दैट द स्टेट शैल नॉट बी डिनाय एनी पर्सन इन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ द लो माने को आम भारत रे प्रत्येक लोक प्रत्येक जनता प्रत्येक देशवासी जो माने भी अछंती से माने इन द लो बेसिस रे बा जे कोनसी आधार रे हो से माने इक्वालिटी पाइबे इक्वालिटी बेसिस रे तांको लॉज लो एंड लो रो प्रोटेक्शंस जहां भी अछि एंटायर तांको बेसिस रे दिया जीवो. ओके देन देखो कौन कही ना इक्वल कौन कही ना बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी इन इंडिया द इक्वालिटी बिफोर द लॉ इज द गारंटी टू द ऑल विदाउट रिगार्ड टू रेस कलर एंड नेशनलिटी. ओके देन देखो मीन्स जो रेस कलर एवं नेशनलिटी से जेकोसी जातिर होना कहीं जेकोसी रंगर होना कहीं जेकोसी माने स्टेट रे होना कहीं ओके ताकू आमे जदि आमर से देशवासी हो तार कौन ना आम देशर से गोटे परमानेंट नागरिक होने इक्वालिटी जो अच्छी इन द लो बेसिस जो प्रोटेक्शन रेसीस अच्छी ताकू सब प्रोवाइड करा जीवो. ओके देन देखो आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ माने यही पांचटा आधार रे कहा को डिस्क्रिमिनेट करा जी डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कहा को पछुआपण बा कहा को बाहर करिबा बा एसो प्रवृत्ति रे कहा को करा जाय परिबो नाही. तुम्हें यही मूवी रो बेस्ट एग्जांपल माने यही आर्टिकल रो बेस्ट एग्जांपल देखिबो कौन थे ना आयुष्मान खुराना रो गोटे मूवी आर्टिकल 15 अच्छी से तुम्हें बेस्ट एग्जांपल जानी पारी हो जे आर्टिकल 15 टा एक्चुअली कौन कहुची. ओके से कौन कहुची व्हाट इज से अबाउट आर्टिकल 15 तथापि मुझे तुमको कहीदे जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन नेचर अच्छी
जो ये पांचटा इे तार आगुरु कौन थिला ना तुम्हें यही जगार जन्म हो तुम्हें एमतिया जातिर अच्छ बा तुम्हें यह अच सिया अच तुमको बहुत प्रकार नाना प्रकार ऑब्जेक्शंस दे बा नाना प्रकार उदाहरण दे तुमको बाहर कर दिया। बट एबे बा इन द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 15 अनुसार तुमको कौन सी क्षेत्र में बाहर करें सबुति भाग नहीं पार सबुति आगु कौन ना छोट जाति लोक मानक पूजा अर्चना करने दि ना बट ए समस्ते पूजा अर्चना करी करें सबकि आर्टिकल 15 स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन द रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम एंड वुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी डिजेबिलिटी लियबिलिटी एंड रेस्ट्रिक्शन एंड द कंडीशन। ओके मीन्स यही आधार दिजा जो डिजाबिलिटी कैंडिडेट अच्छा लियबिलिटी कैंडिडेट अच्छा रेस्ट्रिक्टेड कैंडिडेट अच्छा जेकोसी भी कंडीशन रे था समस्त को सामान अधिकार दिजाव क्या डिस्क्रिमिनेट कर सी जदि अंध ताको कौन आम जगार आम नहीं पारना कौन सी जगार मिसाई पारा ना कौन सी जिनस को प्रमोट कौन सी जगह को प्रमोट करना ये सब जिनपरना। ओके आजिकल फिजिकाली हैंडिकेप्ड मैंने बहुत बड़ बड़ पाहारे अच्छा बहुत बड़ एमती गोटे एक्जामपल देखी 2017 ना 16 रो गोटे टॉपर से है फिजिकली हैंडिकेप्ड यूपीएससी टॉपर थे से जो आईएएस अच्छा से जो महिला जनक। ओके तो एक्जाक्ट नेमटा मोर मन पड़नी बट सबुति समस्त आम सम्मान दबा और प्रमोट करवा। ओके नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट टू स्टेट फ्रॉम द मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ओके देन देखो नथिंग इन द आर्टिकल इन द सब्जेक्ट कॉज कौन कह देख नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन दिस सब्जेक्ट कॉज मीन सब्जेक्ट जो आर्टिकल 1G आर्टिकल 1A आर्टिकल 1B एमती था सब देख द कॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट द स्टेट मेकिंग एनी प्रोविजन बाय द लॉ फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस जो SEBC अच्छा जिन मीन जमी आम स्टेट रे SEBC अच्छी। ओके आर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सिटीजन फॉर द स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब। ओके प्रत्येक स्टेट जे जहाँ जमी हाँ प्रोविजन कर बट सेंट्रल रे किसी मिनिमम प्रोविजन थाए मीन जनरल OBC SC एंड ST एंड आउटेड EWS बट तुम्हें देखियो आम ओडिशा रे अच्छी जनरल SCBC OBC क्राइटेरियाटा को SCBC रे मिसा होची SC एंड ST एंड बहुत प्रकार क्राइटेरिया अच्छी सेमती अच्छा जदि तुम्हें झारखंड को जीव एवं छत्तीसगढ़ को जीव सेठी तांकर जनरल तो गोटे रहिला एवं जो OBC अच्छी बा सेठी SCBC नहीं तांकर अच्छी OBC OBC रो मिनिमम 1 to 2 to 3 क्राइटेरियाज अच्छी मिनिमम 3 क्राइटेरियाज रे तांकर सिलेक्शन जाए 3 क्राइटेरियाज रे तांकर OBC सिलेक्शन माने OBC जो कास्ट दिया जाए सेटा होई थाए तो मुझे देखी थी तांको माने इयर लिखाई थी। ओके झारखंड में देखा एमती बहुत स्टेट तांकर बहुत प्रकार क्राइटेरियाज अच्छी। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने से कौन कहे इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देखो आर्टिकल 16 स्टेट दैट नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ग्राउंड्स ओनली द रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। ओके मैंने से कौन कहे ना आर्टिकल 16 अनुसार क्या आर्टिकल 16 अनुसार जो ये कहला इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो गोटे पब्लिक सेक्टर में मीनस धर सपोज आज RI बाहर कि आज गोटे ARI बाहर कि आज गोटे OSSC गोटे एक्जाम बाहर गोटे कि सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवेज एक्जाम बाहर तो पब्लिक सेक्टर में जितकी भी एरिया सब एक्जाम करो भर्ती होती कौन से प्रकार आम डिस्क्रिमिनेट करना सब आधार में कहारिक आम डिस्क्रिमिनेट करना हूँ तो आम एलिजिबिलिटी टेस्ट कर
କହିବା ବଟ୍ କାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଏଇ କାଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଏଇ ସେକ୍ସରେ ଅଛୁ, ଏଇ ରିଲିଜନ୍ରେ ଅଛୁ, ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥରେ ଅଛୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହାକୁ ଲଗାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଇଫ୍ ଦ ଏମ୍ପାୱର୍ସ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଲୋ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏନି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଟୁ ଦ ରେସିଡେନ୍ସ ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟି ପେରିଅଡ୍ ଟୁ ଦ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟି। ୟୁଟି ମିନ୍ସ ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ। ଇଟ୍ ଏମ୍ପାୱର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେକ୍ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଫର୍ ଆପଏଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜେନ୍। ସେ କହୁଛି ଯଦି ସେମିତିଆ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହୁଏ ବା ସେମିତିଆ କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଦେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଲଗା କି ସିଟ୍ ତିଆରି କର। ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 100 ସିଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 100 ସିଟ୍ରେ ଆମେ ଜେନେରାଲ ପାଇଁ କାଟାଗୋରି କରିଦେଇଛେ, SC ପାଇଁ, ST ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ, ତଥାପି ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କର ନା ସିଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କର, ଏବଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ସେଠି ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏଇ କଥାଟା ସେ କହିଛି। ସେ କହୁଛି ପରା ଇଟ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ସ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ଲୋ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବିଂ ଏନି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯଦି ସେ ଲୋ କରୁଛି ତ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ ଏନି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ୱିଦିନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟି ପେରିଅଡ଼ ଟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ମେକ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ଦ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ ପୋଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଫେଭର୍ ଅଫ୍ ଏନି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖ ଆର୍ଟିକଲ 17 ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛୁଆ ଭେଦଭାବ ଯେଉଁଟା। ଆର୍ଟିକଲ 17 ଏଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି ମିନ୍ସ କାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁଦେଲେ ଆମକୁ ଏହା ହେବ ସେଇଆ ହେବ, ଆମର ପବିତ୍ରତା ହ୍ରାସ ହେବ, ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମିଥ୍ସ ରହିଛି, ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା। ଏଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ ବା ପ୍ରୋଭିଡ଼ସ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ ଆନି ଫର୍ମ। ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ ସୋସିଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ଡାଉନ୍ ଅପନ୍ ଦ ସର୍ଟେନ୍ ଅପ୍ରେସ୍ଡ କ୍ଲାସେସ୍ solely on account of their birth and makes a discrimination against them on the ground। Okay, article 18 dekho, abolition of titles dekho। article 18 says that abolition all titles and prohibit the mane e jo kaha ku je ame kahiba je se bhai ml re puo tar ya achi se ya achi taku ame gode title re ame taku gode nova jiba je bhai he is the king of the mane your village, he is the king of the ESA am ta title kaha ku diya jibo nahi। Okay, abolition of titles prohibit the state and confer the title on the anybody who are the citizen or non citizen however the military and academic distinction they exempted for the prohibition means ଟାଇଟଲ କ୍ଷେତ୍ରଟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବଟ୍ ମିଲିଟ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଟ୍ କୌଣସି ସମ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତିଆ ଅଲମ୍ପିକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଓକେ, ପରମବୀର ଚକ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼େଡ଼ରେ ନବାଜିଥିବା ଲୋକ ହେଲା କିଏ ନା ବିକ୍ରମ ବତ୍ରା। ଓକେ, ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବଟ୍ ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଆମେ କହିଦେବା ଗୋଟେ ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେବା ବା ତାକୁ ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ବନେଇଦେବା ଗୋଟେ କିଙ୍ଗ ମେକର କରିଦେବା ସେଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଦେଖ ଛୁଆ ଆର୍ଟିକଲ 19 ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ। ଆର୍ଟିକଲ 19ରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଫ୍ରିଡ଼ମ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଟୁ ଦ ସିଟିଜେନ୍ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ 6 ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ? ଫ୍ରିଡ଼ମ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍। ଓକେ, ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ ମାନେ କଥା କହିବାର ସରି ବକ୍ତୃତା ମାନେ ଯେମିତି କଥା କହିବାର ବା ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବାର ବା ନିଜକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ଫ୍ରିଡ଼ମ ଅଫ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି। ଓକେ, ଫ୍ରିଡ଼ମ ଅଫ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ସଂଗଠନ କରିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ହେଲା ଗୋଟେ ସଭା କରିପାରିବେ ବା ଏଇଟା ଅଛି। ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫର୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଓକେ, ସଂଗଠନ ସେହି କଥାରେ ଯାଉଛି। ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫର୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, କିଏ ସମସ୍ତେ କିଏ ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଏ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ନିହାତି କରିପାରିବ। ଫ୍ରିଡ଼ମ ଟୁ ରିସାଇଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସେଟଲ। ଓକେ, ଫ୍ରିଡ଼ମ ଫର୍ ଦ ପ୍ରଫେସନ୍ ଅକୁପେସନ୍ ଟ୍ରେଡ଼ ଆଣ୍ଡ ବିଜନେସ୍। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଫେସନ୍ ଚଏସ୍ କରିପାରିବ।
देखो आर्टिकल 20 कौन कौन जी ना प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ओके देखो एटा कौन होइला आर्टिकल 20 प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। ओके फॉर एनी पर्सन हु कमिट एन ऑफेंस जदि काहाकु ऑफेंस करा जीवो आमे निर्जातना देबा ताले सी ताकु बताठु बचिया पई से जेकोनसी स्टेप नी पारिबो। The article has taken care to the safeguard of the right to person accused for the crime. Okay, जदि से क्राइम करिवार accused माने सपोज क्राइम करिनथियो बट ताकु accused करै जैथिबो किबा से गोटे क्राइम रे फसी जैथिबो तो निजो कु से प्रूव करिया पई जे मु दोषी नुहे से जे कोनसी स्टेप नै पारिबो। Moreover, the article cannot be suspended even during the emergency in the operation under the article 359. जो 359 आर्टिकल अच्छे से भी यहाँ रिमूव करा जाई पारिबो नाही ताले जे निजो को डिफेंस रे मचे पारिबो जे निजो को डिफेंस रे सेफ कर पारिबो। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी निजर जो माने रहिबार स्वतंत्रता जो विषय अछि तारी विषय रे कह जाय छी। देखो आर्टिकल 21 सब छ मन रखियो बिकॉज़ दे दीज आर द वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके बहुत बहुत इंपोर्टेंट एगुडी को तो ठीक अछि। देखो आर्टिकल 21 कोन को छी ना जितकी पर्यंत आम जो सब हेडिंगटा जस्ट तुमको कहीदे कौन कौन सब विषय कहला आउ थे पढ़े दूँ तुमको तुम बुझीपार। ओके देखो छुआ फंडामेंटल राइट्स कौन कौन ना फंडामेंटल राइट्स आमर हूँ कौन ना इम्पोर्टाट कौन पाई? ना आमर इक्वालिटी फ्रीडम पर एक्सप्लोटेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चर ऑफ एजुकेशनल राइट्स। ओके कौन थे अच्छी पार्ट थर्ड रे अच्छी आर्टिकल 12-35 पर्यटन अच्छे। Initially, seven fundamental rights borrowed from the USA, but later on the property six. जो right to property टा उठी गला, then हमर fundamental rights six ये गला. Okay, right to property विषय तोड़े हुए जहाँ पढ़ी हुआ tension नहीं है. Right to equality हमर सब कौन ना article 14-18 रहे ची. Right to equality रे कौन को ची देखो, से कौन को ची ना निजर जो प्रत्येक लोगों का जो जो लॉज प्रति जो इक्वालिटी टा बा प्रोटेक्शन प्रति जो इक्वालिटी टा अछि समस्त को प्रोटेक्शन दिया जीव तहारी विषय को छि। तार नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऊपर के को छि ना आर्टिकल 15 को छि नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऊपर बुझि परछ खाली नॉन डिस्क्रिमिनेशन मन रखि दियो मन रहि जीव। देन आर्टिकल 16 हला इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ओके इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सेक्टर रे समस्त को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जीव। देन देखो आर्टिकल 17 हला एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मींस जो छुआ अछुआ भेदभाव को आमे कौन एबोलिश करिवा समस्त को सम्मान दवा समस्त को सम्मान समस्त सम्मान को आमे रक्षा करिवा। ओके एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स कहा को जो पद सब दिया जाउतला एक्सेप्शन ऑफ द मिलिट्री एंड जो अवार्ड अछंदी से सब छाड़ी की आमे नने कहा को खाली खाली रे पद दे परिवा नाही कहा को आमे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकू निजर राजा करी परिवा नाही। ओके एई कथा रे से कोई छी आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम एई छोटा बेसिस रे आमे जणका को फ्रीडम दे परिवा। देन आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस जदि तुमको किए बाध्य करछि तुमको किए ऑफेंस करछि किए तुमको अटैक करिया पे ये करछि ताले तुम निज डिफेंस रे तुम्हें ताकू माने कौन ना सेफ करिपरियो बा तुम्हें ता डिफेंस रे जहाँ भी पॉसिबल लीगल अछि ताकू तुम्हें आधार करिपरियो। ओके आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो आर्टिकल 21 कौन कहछि आर्टिकल 21 स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीड्योर एस्टाब्लिश बाय द लॉ मीन्स से कौन कौन छुआ देख कौन सी भी पर्सन नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड मीन्स से करिपरिबो नाही ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीड्योर एस्टाब्लिशिंग बाय लॉ मीन्स से लॉ हिसाब से निजक रखिपारिबो बट कहारी हिसाब रे से निजो को बंची पारिबो नाही आमे लो हिसाब रे आमे कथावार्ता करिबा कहा को गाली गलोज करिया नाही ताबिल नहि जे आमे टोटली कहा से कथा हे पारिबा नाही। ओके
However, the Article 21 puts a limit to power of the state given under the Article 246, read with the legislative list. Thus, the Article 21 does not recognize the right of life and personal liberty. Means, she just कोई चीज़ तुम्हें रखी पड़ी हो, but right of life and personal liberty भी सरे वो नहीं, absolute right, but limit of the scope of right itself. Means, हमें नीचे, हमें थोड़ा जो suppose मुझसे आप तुमको example दो चीज़, वो डे life वस नीचे स्वतंत्रता हम दिया. स्वतंत्रता माने आमे होची कौन ना सबुआडे जापर सबुआडे बुलीपर सबुआडे किसी करपर बट जेटी गोटे गवर्नमेंट नेशनल पार्क को गले सेटी गोटे टिकेट होची ताको टिकेट किणवा गोटे आमे सम्मेलन को गले सेटी सम्मेलन जमीतिया व्यवहार जमीतिया कथबार्ता करता सेमतिया करवा आम निजर जो लिबर्टी दि जाए स्वतंत्रता दि जाए आम लोकों हानि करवा जहाँ जहाँ कौन कह सब ठीक नुह ओके देन देखो सेफ गार्ड एग्निस्ट द आर्बिटरी अरेस्ट डिफेंशन सेफ गार्ड जो आम सब अच्छी जो आर्बिटरी अरेस्ट एंड डिफेंशन जदि तुमको किए खाली खाटे अरेस्ट कर तुम उपर डिटेंशन मीन्स केस करें निजर सेफ्रे कौन कर देख फर्स्टली आर्टिकल 22 ग्यारंटी द राइट ऑफ द एवरी पर्सन हू आर अरेस्टेड टू बी इनफॉर्म्ड ऑफ द कॉज ऑफ हिज अरेस्ट सेकेंडली ही राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंड by a lawyer of his choice. Thirdly, every person arrest, detained and custody shall be produced before the nearest magistrate within the period of 24 hours and shall be kept continue custody within the authority. Means, सो मुझे तुमको कही दूँ प्रत्येक लोकर निजर केस प्रति तार जदि कौन ना अरेस्ट कराऊँ सी कौन कर फोर्स कर मोर भूल अच्छी तेल मत माने कौन ना तुम्हें बाध्य कौन ना 24 आवर भितर नियरर मजिस्ट्रेट पाखे तुम्हें पेश करवा दरकार नवा दरकार एंड तुम प्रोटेक्शन तुम्हें जेकोसी हायर अथॉरिटी मीन्स लॉयर एवं तांको ऊपर को जे माने अछने निज प्रोटेक्शन ने तुम्हें तांको ऑथराइज कर परिबो ओके तांको तुम्हें नहीं परिबो एटा तुम पाखरे स्वाधीनता अछि ओके तो ई सब कथा तो छुआ नेक्स्ट जो एउट रहिला आमे नेक्स्ट क्लास रे पढे देबा तो आज का पई एतिकी तो जय जगन्नाथ जय हिंद समस्त भलो से पढो आ जोंटा छुआ बुझी पारनो मते कमेंट रे पचारा आपण माने की कमेंट करना दी 110 जने देखुछ एतिकी समस्त जो माने जणे भी जे देखुछ ताको मु धन्यवाद देबी बस तुम्हें छुआ मते जहाँ भी प्रॉब्लम हो मते मते पर्सनली जब मेसेज कर पार्छ मु तो तुमको नंबर भी देसी आउ थे भी नंबर क्लास रे दे दे दूसरी देख जो मोर नंबर है 7894072404 एटा मोर टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल तुम्हें मते एथरे मेसेज कर तुम जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छे एनी प्रॉब्लम एनी हाउ मत जिते भी पार सर सर आम विषय नोट दरकार सर आम यह दरकार आम यह चाहूँ बा एटसेट्रा मत पचारिपर मुझ फुल्ली सपोर्ट करी ओके तो ठीक अच्छे धन्यवाद जय जगन्नाथ जय हिंद।